गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। देखिए हमारा जो थर्ड चैप्टर था संज्ञा पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी जो है हमारा चैप्टर फोर पढ़ेंगे। कौन सा है? फोर। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी और आप लोग सुनिएगा, और जो मुझे डेफिनेशन लिखानी होगी वो मैं आपको लिखवा दूंगी। ओके, हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। फोर थर्ड वाला मैंने आपको पढ़ाया, समझाया, और उसमें जो कराना था वो सब करा दिया था। एक काम का ये रह गया था थर्ड वाले में, लास्ट क्वेश्चन था हमारा च वाला। मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी, तो ये मुझे आज कराना था। तो देखिए इसमें क्या है, संकेतों की सहायता से सही शब्द क्या शब्द लिखे। अब ये वाला मैं स्टॉप करके पढ़ाती हूँ, इसमें पहले ये आपको करा देती हूँ, तो आप लोग कर लीजिएगा। मैं बोर्ड पर लिखवा दूंगी तो आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, संकेतों की सहायता से सही संज्ञा शब्द लिखिए। तो मेरे चार पहिए हैं, तो चार पहिए किसके होते हैं? गाड़ी के। चार पहिए वाली गाड़ी होती है ना भाई, कार, यही होती है चार पहिए वाली। सेकेंड में है मैं कपड़े काटती हूँ, तो जो संकेत हमें दे रहा है उसी को संज्ञा शब्द निकाल के करना है। तो मैं कपड़े काटती हूँ तो किससे काटते हैं? कैची। किससे? कैची से। फिर थर्ड वाला क्या कहता है, मेरे दांतों से सामान बनाए जाते हैं। किसके दांतों से सामान बनाए जाते हैं? हाथी दांत से। किससे? हाथी दांत से। ठीक है, फिर फोर वाला क्या कहता है, श्री रामचंद्र जी ने मूंछ पर फूल बनाया, कहां पे बनाया था? समुद्र में तो पुल बनाया था। समुद्र पर। ठीक है, फिर फाइव है, पायलट मुझे उड़ाता है, तो किसको उड़ाता है? जहाज। मैं दुर्गा का वाहन हूं, क्या दुर्गा का वाहन क्या है? शेर। शेर की सवारी पर करती है वो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ये जो हमारा आंसर था किसका था? चौवाले। ठीक है, चार का आंसर था। नंबर बाय नंबर में लिखा है, ऐसे ही सेम आपको अपने उसमें लिख लेना है। ठीक, ओके। उसके बाद मैं हम आपको न्यू चैप्टर जो है फोर वाला स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक, तो चलिए बुक ओपन कर लीजिएगा और वर्क अपना प्रॉपर वे में रखिएगा, क्योंकि स्कूल कभी भी ओपन हो सकते हैं। बड़ी क्लास के स्कूल कल से ओपन हो जाएंगे, 1st तारीख से। ठीक है,
तो देखिए लिंक, पिताजी बाजार से सेब ले आए, क्या लाए? पिताजी बाजार से सेब ले आए। सीता गाना गाती है, महेश विद्यालय जा रहा है, माता जी खाना बना रही है, यहाँ पिताजी तथा महेश पुरुष है। कौन है? पिताजी और महेश क्या है? पुरुष। सीता व माता स्त्री है, सीता और माता जी क्या है? स्त्री है। तो देखिए क्या कह रहा है, इसी प्रकार स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा जो शब्द है वो लिंग कहलाते हैं। तो आपको मैं लिखा देती हूँ इसकी डेफिनेशन जो है और इसके भेद। भेद इसके दो प्रकार के होते हैं। लेकिन ये तो अलग चीज है हमारी, ठीक है? ये हमारा पार्ट थर्ड का था, ठीक है? अब जो मैं डेफिनेशन कराऊंगी वो फोर्थ चैप्टर की कराऊंगी। इसके आगे पढ़ना करते हैं इसका। ये अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा, पार्ट का डाउन डालना, पार्ट नंबर डालना कौन सा है, उसके बाद में इसको उतार लीजिएगा। डेफिनेशन डाल के परिभाषा डाली मैंने ऊपर इस तरीके से, फिर लिंग के भेद, लिंग के दो भेद हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या होते हैं पुल्लिंग? पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं यानी ज्ञान कराते हैं
जैसे आदमी बैल आदि, जैसे शेर मुर्गा बैल लड़का और आदमी। ये पुरुष जाति के शब्द हैं, इन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे शेरनी मुर्गी गाय लड़की रानी औरत गाय आदि, ये शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ये शब्द स्त्री जाति के हैं, इन्हें स्त्री लिंग शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में दो ही लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में सभी शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग के लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया प्रयोग होता है। वस्तुओं के नाम पर लिंग, इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुओं के नामों को पुल्लिंग माना जाता है तथा कुछ को स्त्रीलिंग, जैसे डिब्बा ताला झरना आदि। क्या होता है? डिब्बा ताला झरना आदि, इनको क्या कहते हैं? जैसे कि इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुओं के नाम को पुल्लिंग माना जाता है तथा कुछ को स्त्रीलिंग, जैसे डिब्बा हो गया ताला हो गया झरना हो गया आदि। फिर केस पढ़ती है, फिर देखिए इसमें क्या कह रहा है। पुल्लिंग नाम, डिब्बा पेन पर्दा ताला झरना पहाड़ पंखा बटन नल, ये सब क्या है पुल्लिंग में। और अब देखिए स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा। पुस्तक सीढ़ी गद्दी आदि, पुस्तक मेज चटाई घड़ी सीढ़ी पेंसिल चाबी नदी गद्दी। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते हैं, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इंजीनियर कुलपति आदि, इनकी क्या है लिंग कभी चेंज नहीं होते, चाहे लेडीज राष्ट्रपति हो चाहे जेंट्स हो। तो उसको क्या कहेंगे, लेडीज राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर कुछ नीचे दे रखे हैं पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। इसमें क्या है आपको पढ़ना है, घर पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि बेटा बेटी पिता माता बालक बालिका राजकुमार राजकुमारी अध्यापक अध्यापिका गुड्डा गुड़िया सेठ सेठानी नौकर नौकरानी फूफा फूफा मौसा मौसी ताऊ ताई मामा मामी माली मालिन धोबी धोविन पंडित पंडित पंडिताई सुनार सुनारिन चूहा चूहिया चिड़ा चिड़िया चिड़ा अच्छा हाथी हाथिन बैल गाय ऊंट उठनी बकरा बकरी दादा दादी भाई बहन। ये इस तरीके से है, सो प्लीज आप लोग कर लीजिएगा, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा, ठीक है। फिर अभ्यास प्रश्न जो है हमारा नेक्स्ट क्लास जब हमारी चलेगी तो उसमें मैं आपको करा दूँगी, ओके। ये हो गया हमारा कंप्लीट, पढ़ाना था आप लोग क्या करोगे घर पे, रीड करना अच्छे से। क्या करना है आपको, रीड करना है चैप्टर। चलिए ओके, बाय, टेक केयर, सी यू।